अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ युवाओं के चहेते प्रोफेसर रंजीत कुमार ने आज किया नामांकन। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर रंजीत कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक मुझे सेवा का एक बार मौका देते हैं तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरा जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है और मैं संघर्षशील व्यक्ति हूं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। तो शिक्षकों की समस्याएं तो इतनी अनंत है, तमाम 2006 के बाद जो नियोजन का नीति आया है उसमें शिक्षक के हक में कुछ है ही नहीं। पूरी तरह से एंटी टीचर रवैया है सरकार का। बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक है ही नहीं। तो जितनी भी समस्याएं हैं, जो मुद्दा आप पूछ रहे हैं, इन मुद्दों के बारे में मैं लगातार सरकार को लिखता रहा, उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहा हूँ। जैसे नियोजित शिक्षक है, इनकी मूल समस्या है वेतनमान, पेंशन, सेवांत लाभ, अंतर जिला स्थानांतरण, ACP, वरीयता का मुद्दा, इन तमाम इनके मुद्दे हैं। राजकर्मी का दर्जा तो सबसे भाईचल है। लोगों को जानकारी होगा 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर के वर्डिक्ट है कि 5 साल तक लगातार सेवा करने वाले, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में भी क्यों न हो, उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है रिटायरमेंट के समय 10 लाख। दुर्भाग्य है कि ये प्राइवेट कंपनी पे लागू है, लेकिन जो टीचर 7 साल तक नौकरी करते हैं परमानेंट है, उनको ग्रेच्युटी के लिए काफी उम्मीदें हैं। लोगों का आपसे काफी उम्मीद है। मैं संघर्ष के लिए समर्पित आदमी हूँ, बिकने वाला झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, सिद्धांत के लिए समर्पित आदमी हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।